रहा है कि सरकार बदलने जा रही है, हम भी आप ही की तरफ देख रहे हैं। क्या कहेंगे? कहना क्या है, अगर ऐसा होता है तो बिहार के विकास में बाधा पहुंचेगी। अगर ऐसा होता है जैसा दिख रहा है टीवी पे, अगर ऐसा होता है तो बिहार की विकास को बाधा पहुंचेगी। नीतीश कुमार फिर से पलट रहे हैं, एक बार पहले भी इसी तरह उन्होंने। अब देखिए, हम तो उनको पलटू कुमार तो आज तक नहीं कहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने उनको कहा है पलटू चाचा, हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा। अगर यही हो रहा है तो मान के चलिए कि तेजस्वी जी की पुरानी बात फिर सही हो जाएगी। भाजपा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार ये? देखिए, अब ये तो उनके ओर से सोचना है। भाजपा का तो चरित्र ऐसा है कि उनको कम सीटें आई फिर भी हमारे नेतृत्व ने कहा था कि यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो हमने उनको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करके रखा। एक मर्यादित पार्टी हम हैं और मर्यादा के साथ काम करते हैं, और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना के रखा था हम लोगों ने। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो बिहार के विकास को खंजर लगेगा, भाजपा को क्या खंजर लगेगा? अरे भाजपा के तो कार्यकर्ता सोना है, वो जितने आग में तपेंगे उतने निखर जाएंगे, इसलिए हम लोगों को उसकी चिंता नहीं है। बिहार का विकास रुक जाएगा, बिहार के लोगों का डेवलपमेंट रुकेगा, इसकी चिंता है। ये डबल इंजन की सरकार अब डिरेल होने जा रही है। अब देखिए, डिरेल्ड अगर होती है तो ये दुर्भाग्य होगा बिहार का। कैसे चलेगा ऐसे में, बार बार राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं, नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर। देखिए, अब हर व्यक्ति का की अपनी अपनी सोच है, और गांव में लोग कहते हैं कि सिग्नेचर और नेचर ये बदलता नहीं है। तो अगर देखते हैं आगे चल के क्या होता है, जैसा आप सब लोग बता रहे हैं कि घंटे दो घंटे में कुछ होने वाला है, तो देखते हैं, हम भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।